अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस आईपीओ एनालिसिस में हम मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड के कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझेंगे, इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी के पीयर टू पीयर कंपैरिजन और शरिया कंप्लाइंट को भी समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों कि ये वीडियो मैं एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड ये कंपनी का क्या बिजनेस है। सो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है मार्च 2003 में और इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस वो ये है कि ये फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज फिश मील, फिश ऑयल एंड फिश सॉल्युबल पेस्ट व्हिच आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वा फीड फॉर फिश एंड स्क्रिम एंड पोल्ट्री फीड एंड ऑल्सो पेट फूड। सो इन शॉर्ट ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस ये है दोस्तों कि ये कंपनी जो है फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली यूज होते हैं फिश और श्रिम्प इंडस्ट्री में, उनको खाने के लिए जो देते हैं वो, और साथ ही साथ जो है पोल्ट्री के इंडस्ट्री में भी यूज होता है और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है कैट एंड फूड यानी पेट इंडस्ट्री में भी ये प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर कंपनी के अगर हम देखेंगे तो दिस कंपनी हैज अराउंड, ये कंपनी इंडिया में डोमेस्टिक में अवेलेबल है और साथ ही साथ 10 डिफरेंट कंट्रीज लाइक बहरीन, बांग्लादेश, चिली, देन इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे 10 डिफरेंट कंपनीज में ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। और साथ ही साथ अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो दे हैव 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग 4 इन इंडिया एंड 2 इन ओमान। और इस पर्टिकुलर कंपनी की एक खास बात यह भी है कि यह कंपनी जो है और अपने जो है प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और साथ ही साथ इस कंपनी के जो प्रोडक्शन एरिया है वो कोस्टल एरियाज में अवेलेबल है जो उनके लिए जो है बहुत ईजी रहेगा उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए और साथ ही साथ जो है दूसरे कंट्रीज को भेजने के लिए। तो ये है इस कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आगे बढ़ते हैं इस कंपनी के जो आईपीओ है इसके डिटेल्स की तरफ। सो ये आईपीओ आज यानी फरवरी 29 को ओपन होगा और मार्च 4 तक ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसकी फेस वैल्यू है 1 पर शेयर और प्राइस बैंड रहेगा 26 रुपीज टू 28 पर शेयर। और अगर आप 1 लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 535 शेयर्स अलॉट होंगे और ये पर्टिकुलर कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो है 224 करोड़ और ये टोटल फ्रेश इश्यू है, यानी इसके जो प्रमोटर्स है वो सेल नहीं कर रहे बल्कि इट इज अ कंप्लीट फ्रेश इश्यू ऑफ 80 मिलियन शेयर्स, 224 करोड़ का जो टोटल आईपीओ रहेगा। चलिए अब आ जाइए फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर अगर हम जो फैक्टर हम हमेशा देखते हैं, जो फर्स्ट फैक्टर हमारा होता है कि भाई व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी, कि रेवेन्यू में कैसा ग्रोथ हुआ है। तो हम क्रोर्स में ये रेवेन्यू देख रहे हैं तो 609 करोड़ वाज द रेवेन्यू इन 2021, वो बढ़कर हुआ है 776.15 करोड़ और वो बढ़कर ऑलमोस्ट करीब करीब जो है अराउंड 80% ग्रोथ हुआ है। सो यू कैन सी consistently they have posted a growth in the revenue. ये सिर्फ 2023 तक सितंबर तक का क्वार्टर का डेटा है। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करेंगे तो 11 करोड़ देन बढ़कर हुआ है 25 करोड़ देन बढ़कर हुआ है 47 करोड़ और ये तीन क्वार्टर्स तक 32.95 करोड़ हुआ है। यानी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू वो ग्रो हो रहा है और साथ ही साथ इनका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी financially it is working well, financially ये अच्छा work कर रही है। और साथ ही साथ अगर important aspect हम जो देखते हैं वो है borrowing की तरफ। अगर आप देखेंगे तो एक negative factor है इस कंपनी का कि इनकी borrowing अगर आप देखेंगे consistently हर साल जो है borrowing बढ़ा रहे हैं, 159 करोड़ से अराउंड 317 करोड़ की इनकी borrowing है। तो ये एक negative factor है इस कंपनी का क्योंकि हम जब भी कोई कंपनी देखते हैं तो कम borrowing रहेगी तो interest का price कम रहेगा तो हमारे लिए positive रहेगा, लेकिन थोड़ी सी बोरिंग का इनके पास प्रॉब्लम है। लेकिन इट्स फाइन बिकॉज़ इनके एसेट्स अगर हम देखेंगे तो एसेट्स आर ऑन अ हायर साइड, अराउंड 641 करोड़ एसेट्स है और 317.73 का इनकी बोरिंग है, इट इज फाइन, इट विल बी ओके। सो लेट्स आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ और वो है हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में आरओई फैक्टर,
अगर हम देखेंगे तो इट इज 36.71 विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि हम ये 20 के अबाउट देखते हैं, और ROCE इज अराउंड 17.62 विच इज ओके ऑलमोस्ट नियर टू 20, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे मैंने बताया है ये एक नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि इनकी बोरिंग बहुत ज्यादा है, एंड ROW इज 34.19, सो ये तमाम चीजें फैक्टर्स पॉजिटिव है। अगर इस कंपनी का PE की बात करेंगे तो अराउंड 12 PE आएगा विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव PE फॉर द प्रेजेंट गिवन मार्केट, सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये कंपनी ओके है। अगर हम इनके पीयर टू पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो इन्होंने अपने पीयर टू पीयर कंपैरिजन में दिया है अवंती फीड्स, गोदरेज एग्रोवेट, जील एक्वा एंड वाटर बेस लिमिटेड, और इनका अगर हम पीस की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर हमारे मुका प्रोटीन्स का पी आएगा 12 और पी हमारा जो सेकंड कंपनी है एवंटी फीड्स का 25, 33 एंड 20। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एज पर द इंडस्ट्री एज पर द मार्केट इज कंसर्न देर इज अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जो अदर कंपनीज एग्जैक्टली सेम इंडस्ट्री में नहीं है सिमिलर इंडस्ट्री में है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी कि इनका शेयर प्राइस में जो है ग्रोथ और इंप्रूवमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू पीयर कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू क्या है, ये क्यों अपने से जो है मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले फंडिंग वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी में जो डे टू डे बेसिस जो इनका रिक्वायरमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विद एंटो प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और एक बात आपको मैं बता दूं, ये एंटो जो है ये एक्चुअली न्यू जो है प्रोडक्ट है, और इनके जो मैनेजमेंट ने ये बताया है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही जो फ्यूचर में बहुत ही कम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी बताएगा, सो दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर सब्सिडरी एंड देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस इटसेल्फ। सो यहां पर ये एक पॉइंट आप याद रखिए कि ये पैसे से ये लोन को कम नहीं करेंगे, लोन जो है 317 करोड़ वो तो रहेगा, मे बी फ्यूचर में जो है ना प्रॉफिट्स आने के बाद करेंगे, लेकिन ये जो पैसा हम इनको दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेल एज दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ सेपरेट एंटिटी कॉल्ड एज एंटो प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू है दोस्तों। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करेंगे तो एज ऑफ टुडे जीएमपी जो है स्टार्ट हुआ था अराउंड 6 पर और वो बढ़कर अराउंड 15 पर है, सो हो सकता है जैसा भी टाइम आगे बढ़ेगा तो जीएमपी और भी ज्यादा जाएगा, तो जीएमपी जितना ज्यादा जाएगा तो पोटेंशियल ऑफ लिस्टिंग गेंस भी हमको ज्यादा रहेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे, तो इस्लामिकली स्टॉक्स हमारे इस्लामिकली शरिया ऐप के मुताबिक ये नेचर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये बिल्कुल फिश प्रोडक्ट्स है तो इट्स हलाल, एज वेल एज अगर डेट टू मार्केट कैप रेशियो हम देखेंगे तो वो भी हलाल है। और याद रखिए हम बहुत बार हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई डी ई रेशियो वो 1 है कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए इस्लामिकली में हम डी ई रेशियो चेक नहीं करते बट वी विल चेक डेट टू मार्केट कैप रेशियो, तो वो एक्चुअली इट इज मच गुड, सो इट विल बी ओके फॉर अस टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। और आइए आखिर में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो देखिए दोस्तों ये कंपनी के जो बेसिक डिटेल्स मैंने पढ़े हैं जो इनके डॉक्यूमेंट पढ़ा है, तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ये कंपनी का पोटेंशियल फ्यूचर में ज्यादा होगा क्योंकि इनका पीई रेशियो बहुत कम है, ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिसमें इनका यूनिकनेस है और ये वन ऑफ द वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर प्रोवाइडिंग दैट प्रोडक्ट, तो इसके वजह से माई एक्सपेक्टेशन लुकिंग एट द फाइनेंशियल लुकिंग एट द कंपनी की ये फ्यूचर में ज्यादा ग्रो होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा जो ओपिनियन है कि आई विल अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ इटसेल्फ। और याद रखिए डिस्क्लेमर दोस्तों कि ये वीडियो मैं एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कॉमेंट में लिखिए अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। अस्सलामु अलैकुम।